ओम शांति। कवि भाई बहनों का दिल से स्वागत है, हृदय से स्वागत है। और ऐसी आशा करते हैं कि हम इस मीटिंग में ही नहीं लेकिन आगे भी बारंबार मिलते रहेंगे। जैसे कि मुझे मिनेश भाई ने बताया कि इस हमारी मीटिंग का खास उद्देश्य ये है कि ये जो संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये 1936 से स्वर्णिम भारत लाने के प्रयास में जुटी हुई है। तो ये जो हमारा इस साल का टॉपिक है, कहने का मतलब कि 75 ईयर जो भारत ने कंप्लीट किए स्वतंत्रता के लिए, उसको अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है। तो अमृत भारत के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम संस्कृति की ओर, टूवर्ड्स द गोल्डन कल्चर। तो ये साल से ये खास टॉपिक हम लोगों ने इसलिए लिया है कि मोदी जी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इनको ये जिम्मेवारी दी है कि इस साल अमृत महोत्सव के निमित्त ब्रह्मा कुमारी के साथ में मिलकर सारे भारत में, या कहो सारे विश्व में, अमृत महोत्सव मनाया जाए। और उसके लिए जो कार्यक्रम होने चाहिए, जैसे रंगोली कंपटीशन है, गीत प्रतियोगिता है, संगीत है और कवि सम्मेलन आदि जो है, तो इसमें ये दोनों टॉपिक बातें आनी चाहिए कि भारत का गौरवशाली, हमारा जो गोल्डन एज का पीरियड रहा है वो फिर से वापस आ रहा है, और ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, अपने संस्कारों को शुद्ध पवित्र बनाकर उस पवित्र स्थान को, उस पवित्र भारत को फिर से गोल्डन एज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। करण करावन हर तो परम पिता परमात्मा है, लेकिन वो कराते कैसे हैं? वो कराते अपने बच्चों के द्वारा ही है। तो बच्चों में जो आत्माओं में जो हमारी इम्प्यूरिटीज आ गई है, उसको राजयोग के बल से, जो राजयोग यहाँ सिखाया जाता है शिपिता परमात्मा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा 1936 से जो कार्य शुरू किया है, तो वो अभी कंप्लीट, करीब करीब कंप्लीट होने के लिए आया है। तो आप सब भाई बहने इस कविताओं के द्वारा, सिर्फ कविता हमें गाना ही नहीं है, कविता बोलना ही नहीं है, लेकिन इस कल्चर को, इस डिवाइन कल्चर को अपने जीवन में धारण करके इसके एग्जाम्पल स्वरूप हमको बनना है। तो ये हमारा लक्ष्य है। किसी भी कवि सम्मेलन ना हो, कवि सम्मेलन तो दुनिया में हजारों होते हैं, हम सुनते आए हैं हास्य कवि सम्मेलन और ये वो। उन कवि सम्मेलनों में किसी किसी के ऊपर कटाक्ष किया जाता है, किसी किसी की हंसी उड़ाई जाती है, ना ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है सबको एक दूसरे के साथ में रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हुए हम आगे बढ़े, और वही हमारी सच्ची खुशी है, और उसी में हमारा एंटरटेनमेंट समाया हुआ है। तो मेरी पूरी विश्वास है, पूरी सद्भावना है कि आप लोग इस प्रकार की कविताएं बना के लाए होंगे कि जिसमें संस्कार परिवर्तन की बातें हो, सत्यता, सफाई, निर्माणता, एक दूसरे के प्रति स्नेह, डिवाइन क्वालिटीज को हम लोग अपने जीवन में लाएं, उसको दर्शाएं, उससे लोगों को प्रोत्साहन मिले। जैसे हम लोग देशभक्ति के गीत गाते हैं तो हमको जोश आ जाता है, हमको लगता है हाँ हम भी ये कार्य करेंगे, हम भी जाएंगे। तो उसी तरह ये दूसरी क्रांति है, ये है आध्यात्मिक क्रांति। अब हमको ये आपकी कविताएं सुनकर सब लोगों को ऐसा लगना चाहिए, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये यूट्यूब पे भी कभी कभी सभी लोग कभी भी उसको सुन पाएंगे। तो इस तरीके से हम कविता आप गाइए कि लोगों के मन में ये उमंग उत्साह है कि हाँ सचमुच अब समय आ गया है, हमको हमारे संस्कार परिवर्तन करना है ना, सारे विकारों से, जो क्या कहते हैं कि वो अनेक प्रकार के व्यसन है, उनसे मुक्त होना है। और जो पांच विकार हम गाते आए हैं कई सदियों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसके ऊपर हमें जीत पाना मिला है। देना तो ये हमारे मिसेस ऐसा जोश वाला हो कि लोगों में ये उमंग उत्साह है कि हाँ अब हम ये काम करेंगे। बस यही लक्ष्य है इस कवि सम्मेलन का। मेरी पूरी आप लोगों के साथ में शुभ भावना है, और बाबा परमपिता परमात्मा आप लोगों के मुख से
जरूर ऐसे उत्सव उमंग उत्साही वाले बोल निकालेंगे कि इससे विश्व परिवर्तन के कार्य में भी सहयोग होगा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना अपना विचार देने का अवसर दिया। मैं सब आपका, आप सब भाई बहनों का आभारी हूँ, और जैसे भी समय आएगा हम जरूर माउंट आबू में प्रोग्राम के लिए, जो कोरोना का जरा ये शांत हो ही रहा है तो अभी हम हेडक्वार्टर से डेट लेके, आप सब मन बनाइए, हम फिर मिलेंगे माउंट आबू में। थैंक यू वेरी मच, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दयाल भाई, आपने राकेश भाई भी आ गए हैं, उसका भी बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे रुचि बहन भी अभी आ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, शैलेंद्र भाई का भी स्वागत, तो सभी का नाम सही स्वागत है। तो दयाल भाई बहुत विस्तार से, बहुत अच्छी तरह से आपने इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोग्राम बताया, साथ साथ आपने हेडक्वार्टर में आमंत्रण भी दे दिया। हमारे सुंदरम भाई तो इंतजार में ही है कि कब मौका बने और वापस वापस मधुबन जाए, मधुबन के प्रेमी है हमारे, और सभी कवि मित्र यहाँ के जो है वो एक बार चाहते हैं कि मधुबन घर में जावे, तो इसलिए आपने एडवांस में ही इनविटेशन दे दिया, तो इसलिए आपका शुक्रिया, सबका दिल आपने खुश कर दिया।